राहुल गांधी के गले मिलने वाली राजनीति के बाद कांग्रेस एक बार फिर हेट पॉलिटिक्स पर वापस लौटती नजर आ रही है। मुंबई कांग्रेस चीफ संजय निरुपम ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें अनपढ़ गवार करार दिया। स्कूल के छात्रों के लिए बनाए गए एक वीडियो मैसेज में कांग्रेस नेता ने कहा कि छात्रों को प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह अनपढ़ गवार नहीं होना चाहिए। उनका ये बयान उनके क्लासिस्ट माइंडसेट को एक बार फिर से एक्सपोज करता है। कोई मोदी जी के ऊपर कोई फिल्म बनी हो दिखाने की जबरदस्ती की जा रही है, ये सरासर गलत है। हमारे बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मोदी जैसे अनपढ़ गवार के बारे में जान के उनको क्या मिलने वाला है? क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज तक हमारे देश के नागरिकों को, बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री कितनी है। और ये पहली बार नहीं है कि किसी कांग्रेस नेता ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ ऐसी कोई अभद्र टिप्पणी दी हो। इससे पहले भी टॉप कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्हें सुन लीजिए। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। जो अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? ये पहली बार नहीं है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स आए हैं, और ये तब तक अब भी जारी हैं जब खुद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी नफरत की राजनीति को खत्म करने का प्रवचन देते हैं और कहते हैं कि ऐसी पॉलिटिक्स बीजेपी करती है। सुनिए कैसे राहुल गांधी ने नफरत से लड़ाई के लिए प्यार को अपनाने का ज्ञान दिया था। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा, एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद।